ये एक नया सेशन शुरू हो रहा है आपका और वकायद के सेशन के साथ साथ अभी ये सेशन भी आपका चलेगा क्योंकि आपके एग्जाम्स जल्दी होने वाले हैं इधर, तो उनके मद्देनजर ये सारे जो रूल्स आपको दिए जाएंगे आप इनको एक सीरीज बना लीजिए और ये सारे वही रूल्स रहेंगे जो एक्सपेक्टेड होते हैं और एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको आजमाए जाते हैं। इसके एक और विशेषता है कि लास्ट में एक कुछ सीरीज दी जाएगी आपको प्रश्नों की और उन प्रश्नों को आप चाहें तो कमेंट करके अपने आंसर्स वगैरह अपने कमेंट मार्क्स में अपना डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके का सिस्टम होगा जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उनके साथ उनके एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे, आप चाहें तो उनके स्क्रीन शॉट्स ले लीजिए, कभी भी आप चाहें तो देख कर उन्हें समझ सकते हैं। इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि वो एग्जाम्स में बेहतर तरीके से अपने सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं अपना मस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स विद एक्सप्लेनेशंस। पहला जो कॉमन एरर है आपका वो है दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। ये चार सेक्शंस आपके हैं, आपको ये ढूंढना है कि कौन सा इसमें एरर फाइंड आउट आपको करना है, पता लगाना है। आप ध्यान से देखें, दिल्ली इज फार बेटर, दिल्ली कहीं ज्यादा अच्छा है देन एनी अदर मेट्रोपोलिस, किसी भी महानगर की अपेक्षा आप पाकिस्तान पाकिस्तान। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि दिल्ली जो है वो इंडिया में है और जो कंपैरिजन है हमारा वो पाकिस्तान के शहर से हो रहा है। यानी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जो दिल्ली भारत में है और दूसरा ग्रुप पाकिस्तान से जहां सारे शहरों से तुलना हो। अगर आप हिंदी में बनाएंगे तो आप यही कहेंगे कि दिल्ली जो है पाकिस्तान के किसी भी शहर से फार बेटर है। यानी हमको ये नहीं कहना है कि दिल्ली किसी पाकिस्तान के किसी अन्य शहर से अच्छा है, पाकिस्तान के सभी शहरों से अच्छा है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय दिल्ली इज फार बेटर देन एनी मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। जब भी आपको दो ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन करना हो तो हमेशा नो या एनी के बाद अदर का प्रयोग ना करना। उसकी एक वजह है क्योंकि आप सारी चीजों से कंपैरिजन कर रहे हैं न कि अन्य चीजों से। यानी मैंने जो एक्सप्रेशन दिया आपको कि दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन है, अतः एनी या नो के बाद अदर का प्रयोग ना करें आप। दिल्ली भारत में है और हम उसकी तुलना पाकिस्तान के किसी भी शहर से कर रहे हैं, अतः अदर का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट जो सेंटेंस आपका होगा वो होगा दिल्ली इज फार बेटर देन एनी मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। यानी नो या अदर के बाद, नो और एनी के बाद अदर का प्रयोग आप ना करें। यदि कंपैरिजन एक ही ग्रुप के दो चीजों के बजाय दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच किया जा रहा है। अब हम ये वाक्य भी देख सकते हैं, नो अदर प्लेयर इन इंग्लैंड इज सो पॉपुलर एज सचिन इन इंडिया। ध्यान से देखें, नो अदर प्लेयर इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के हम किसी भी खिलाड़ी की बात कर रहे हैं इज सो पॉपुलर एज सचिन इन इंडिया, और इंडिया के हम सचिन की बात कर रहे हैं। यानी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक इंग्लैंड के खिलाड़ियों का और एक भारत के सचिन का। यानी हमें किसी भी कीमत पर नो या एनी के बाद अदर का प्रयोग नहीं करना होगा। ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सचिन से जो इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी के तुलना भारत के सचिन से है, अतः हमें नो के बाद अदर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो प्लेयर इन इंग्लैंड इज सो पॉपुलर एज सचिन इन इंडिया। अब आप इन वाक्यों के एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाक्य है, नो अदर लीडर इन पाकिस्तान इज एज पॉपुलर एज पुतिन इन रशिया, या ओबामा वॉज फार बेटर देन एनी अदर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अगर ध्यान से देखेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन है तो हमें नो या एनी के बाद अदर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कॉमन एरर नंबर टू है आपका, रामा इज टॉलर देन एनी मैन ऑफ द टाउन। यानी हम रामा की बात कर रहे हैं जो उस टाउन के किसी भी व्यक्ति से लंबा है। ध्यान से देखें आप, हम एक ही टाउन की बात कर रहे हैं, एक ही टाउन में वो राम है और जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी उसी टाउन के हैं। तो ध्यान ये रखें कि अगर एक ही ग्रुप है
और उसकी दो चीजों का कंपैरिजन आपस में है तो हमेशा नो या एनी के बाद अदर का हम प्रयोग करेंगे. तो एक्सप्लेनेशन आपका है वाक्य में एक ही टाउन के लोगों के बीच तुलना है न कि अलग अलग टाउन के लोगों की. अतः नो या एनी के बाद हमें अदर लगाना पड़ेगा. करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा रामा इज टॉलर देन एनी अदर मैन ऑफ द टाउन. यानी हमने यहां एनी के बाद अदर लिया क्योंकि एक ही टाउन के दो लोगों के बीच कंपैरिजन है इसलिए नो या एनी के बाद हमने क्या लिया अदर का प्रयोग किया. अब हम ये वाक्य कर सकते हैं नो क्रिकेटर इज सो पॉपुलर एज सचिन इन इंडिया. ध्यान से देखें नो क्रिकेटर इज सो पॉपुलर एज सचिन इन इंडिया. यानी हम भारत के ही सचिन की बात कर रहे हैं और भारत के ही खिलाड़ियों से उनकी हम तुलना कर रहे हैं. इट मीन्स यहां नो क्रिकेटर के बजाय हमें नो अदर क्रिकेटर का प्रयोग करना होगा. यानी हम भारत के खिलाड़ियों की तुलना सचिन से कर रहे हैं ना कि किसी और देश के खिलाड़ियों से. ऐसी स्थिति में जब एक ही ग्रुप के लोगों के बीच तुलना हो तो नो या एनी के बाद हमेशा अदर का प्रयोग करते हैं क्योंकि एक ही ग्रुप के बीच कंपैरिजन है. तो करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा नो अदर क्रिकेटर इज सो पॉपुलर एज सचिन इन इंडिया. हमने नो के बाद क्या लिया अदर लिया क्योंकि कंपैरिजन भारत के ही सचिन का भारत के ही अन्य खिलाड़ियों से हो रहा है तो हमें नो के बाद या एनी के बाद क्या लगाना होगा अदर का प्रयोग करना होगा. अब अगर हम एग्जाम्स के लिए देखें जो आपके काम आएंगे यदि आप इन सेंटेंसेस पे मेहनत करते हैं तो निश्चित ये सेंटेंसेस आपको लाभ देंगे. अब आप एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को आसानी से हल कर सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि इसमें कौन सा सही है कहां पे कौन सा एरर पोर्शन है तो फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये रूल्स आपको समझ में आए या फिर नहीं आए. जाते जाते फिर से मैं कह दूं कि यदि एक ही ग्रुप की दो चीजों के बीच कंपैरिजन है तो नो या एनी के बाद हमें अदर का प्रयोग करना होता है. यदि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच कंपैरिजन है तो नो या एनी के बाद हमें अदर का प्रयोग नहीं करना होता है. वजह यह है कि जब हम कहेंगे भारत के सचिन विश्व के किसी भी खिलाड़ी से अच्छे हैं तो हमें वह अन्य का प्रयोग नहीं करना. लेकिन अगर हम कहेंगे भारत के सचिन भारत के अन्य खिलाड़ियों से अच्छे हैं तो हमें वहां अदर का प्रयोग करना होगा. मीन्स फिर से एक ग्रुप तो फिर अदर का प्रयोग नो या एनी के बाद और अगर अलग अलग ग्रुप्स तो नो या एनी के बाद अदर का ग्रुप न करें. ऐसे छोटे छोटे आपके कॉमन एरर्स जो एग्जाम्स के पर्पज से होंगे आपको दिए जाएंगे. आप कमेंट करना लाइक करना शेयर करना न भूलें ताकि ये चीजें आगे आपको रेगुलरली आपको मिलती रहे. थैंक्स.